नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज। लगातार होती चोरियों ने शहर वासियों को परेशान कर रखा है। इसी संदर्भ में जो है उदय मंदिर थाना को एक बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने एक चोर को और चोरी के माल खरीदने वाले जो है व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उनको कोर्ट में पेश किया। लगातार जो है मिनर्वा सेंटर और रायबहादुर मार्केट के बाहर से चोरियां जो है वो व्हीकल चोरी हो रहे हैं, यानी मोटरसाइकिल चोरी हो रही हैं। तो उसी संदर्भ में जो है एक टीम बनाई गई थी, कॉन्स्टेबल्स की टीम बनाई गई थी उदय मंदिर थाना जो है उसमें जो है इस टीम को जो ने जो कार्रवाई करी और मोटरसाइकिल चोर को व मोटरसाइकिल चोरी की मोटरसाइकिल खरीदने वाले को जो है वो गिरफ्तार किया है और उनको कोर्ट में पेश किया, जिसमें से जिसने मोटरसाइकिल चोरी जो है परचेज करी थी उसको आज जमानत पर रिहा कर दिया गया और पुलिस रिमांड में जो है चोर को जो भेजा गया। 10 मोटरसाइकिलें जो है वो बरामद होना बताया है और उसने कबूला है कि 10 मोटरसाइकिल उसने चोरी करी है। इसके अलावा भी चोरी के बारे में जो है वो पूछताछ जो है पुलिस जो है वो कर रही है। देखिए नमस्ते राजस्थान की पूरी न्यूज रिपोर्ट। जिसका नाम गुलाब सिंह, इसके पिताजी का नाम भोम सिंह है, ये राजपूत है, शिवनगर पुलिस थाना मतोड़ा का रहने वाला है। इससे पूछताछ करी तो इसके कब्जे से 10 मोटरसाइकिलें हमने जब्त करी। इससे और पूछताछ करी तो इसने बताया कि इसने 3 मोटरसाइकिल जो पहले इसके द्वारा चुराई गई थी वो जगदीश पुत्र मोटाराम मेघवाल जो कोल्लू बाबूजी थाना लोहावट का रहने वाला है उसको भी बेची। तो हमने उसको भी जगदीश मेघवाल को भी गिरफ्तार करके उसके कब्जे से भी 3 मोटरसाइकिल हमने बरामद की। आज दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था। जगदीश की तो जमानत हो गई, वो चोरी का माल खरीदार था, और जो गुलाब सिंह है उसका हमने पुलिस रिमांड लिया है। हो सकता है और भी आगे हमें कामयाबी मिले। उसमें तलाश और सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से दस्तयाब किया। इसे पूछताछ के दौरान उसने काफ़ी चोरियाँ करना बताया रायबहादुर मार्केट और मिनर्वा सेंटर से जोधपुर से। फिर इनको दस्तयाब किया मथोड़ा से और कोल्लू बाबूजी से, वहाँ से गाड़ियाँ बरामद करके।
जो चोरियाँ हो रही है तो हमारे पुलिस थाने के भोमरा राम ASI और बिंजा राम ASI, नंदलाल हेड कांस्टेबल, सोजा राम कांस्टेबल, विनोद कांस्टेबल और कमलेश कांस्टेबल, इनकी एक टीम बनाई गई थी। इन्होंने काफ़ी मेहनत करके और प्रयास करके जो पुराने चालानशुदा अपराधी थे उनको और शहर के अन्य मुखबिर तंत्र से मालूम किया। तो एक व्यक्ति जिसका नाम गुलाब सिंह, इसके पिताजी का नाम भोम सिंह है, ये राजपूत है, शिवनगर पुलिस थाना मतोड़ा का रहने वाला है। इससे पूछताछ करी तो इसके कब्जे से 10 मोटरसाइकिलें हमने जब्त करी। इससे और पूछताछ करी तो इसने बताया कि इसने 3 मोटरसाइकिल जो पहले इसके द्वारा चुराई गई थी वो जगदीश पुत्र मोटाराम मेघवाल जो कोल्लू पाबूजी थाना लोहावट का रहने वाला है उसको भी बेची। तो हमने उसको भी, जगदीश मेघवाल को भी गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 3 मोटरसाइकिल हमने बरामद की। आज दोनों को कोर्ट में पेश किया गया था। जगदीश की तो जमानत हो गई, वो चोरी का माल खरीदार था, और जो गुलाब सिंह है उसका हमने पुलिस रिमांड लिया है। हो सकता है और भी आगे हमें कामयाबी मिले। उसमें तलाश और CCTV फुटेज के माध्यम से तंत्र से दस्तयाब किया। इसे पूछताछ के दौरान इसने काफ़ी चोरियाँ करना बताया राय बहादुर मार्केट और मिनरवा सेंटर से, जोधपुर से। फिर इनको दस्तयाब किया मथोड़ा से और कोलू बाबू जी से, वहाँ से गाड़ियाँ बरामद करके। खबरों का, इंटरव्यूज का और न्यूज का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज। आपसे निवेदन है हमारे इस वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल नमस्ते राजस्थान न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते राजस्थान। Thank you.